अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी खैरियत से हैं। तो ये 2 दिन पहले का क्लिप था, तो मैं थोड़ा सा शूट कर ली थी कि ताकि मैं आप लोगों से शेयर कर पाऊँ गाइस। तो ये मटन 1.5 किलो आया है, तो मैं जा रही हूँ बनाने के लिए। तो मेरे हस्बैंड लेकर के आए हैं, बोले बना देने के लिए। पहले ही फ़ोन करके पूछा था कि मटन बना दोगी ऐसे से, मतलब उनके दोस्त लोग सब पार्टी करने वाले हैं। तो फिर मैं बोले हाँ क्यों नहीं, तो फिर वो लेकर के आए थे रात में। तो मैं मटन पूरा डिटेल में मैं आप लोगों से नहीं कर पा रही हूँ गाइस। इंशाल्लाह बहुत जल्द, अब ऐसे भी गाइस बकरीद आ रहा है, तो मैं आप लोगों से अच्छे अच्छे रेसिपी मैं शेयर करने वाली हूँ। तो मेरे चैनल को आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा। कैसा लगता है ब्लॉग वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा गाइस। तो मैं जा रही हूँ 3 तारीख को शादी में, तो मैं नारायणपुर जा रही हूँ शादी। मेरे मतलब मेरी बहन का शादी हो रहा है गाइस, तो मैं फ़र्स्ट टाइम यहाँ का शादी देखूँगी पूरे पूरा तरीके से। जितना मतलब रस्म वगैरह होता है मैं सब देखने वाली हूँ, तो वो मतलब वो भी मैं ब्लॉग में आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ। तो इसलिए मेरे चैनल को आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मैं देखिए मेरा मटन बन के रेडी हो गया, तो मैं टिफ़िन में पैक कर दे रही हूँ। अभी मेरे हस्बैंड जाने वाले हैं लेकर के, सिर्फ वो मटन ही बोले थे। अगर बोलते तो मैं रोटी या उसका पुलाव भी बना देती, तो वो मटन सिर्फ बोले थे, तो इसी वजह से मैं सिर्फ मटन ही बना करके दे रही हूँ। अब अब जो ब्लॉग आएगा तो आपको शादी का देखने को मिलेगा, तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब बदमाशी कीजिएगा तो मम्मा को गुस्सा आ जाता है ना। तो गाइस यहाँ पर से जुमरात के दिन का ब्लॉग स्टार्ट हो गया है, जो आपको जुमा के दिन देखने को मिलेगा। तो मैं बना रही हूँ ये फरिया का फ्रॉक, देखिए कितना क्यूट सा है। तो मैं मतलब कपड़ा सीना भूल गई थी, तो मैं अभी सीखना सीख रही हूँ। तो छोटे बच्चे से स्टार्ट की हूँ सीखना अभी। आइसक्रीम बना दे, अभी मैंगो का जूस बना देंगे, प्याजू बना देंगे, ठीक है। आइसक्रीम अच्छा वाला आम पापा लेकर के आएंगे ना, तो उसका आइसक्रीम बना देंगे, ठीक है। देखिए गाइस को दिखा दीजिए, लाइक सब्सक्राइब। गाइस तैमूर बोल रहा है मैं मतलब मैंगो आइसक्रीम खाऊंगा, उसके बोलने का मतलब ये है गाइस, नहीं ना समझेंगे। अब मम्मा आइसक्रीम बना देगी। अच्छा ठीक है, मैं जा रही हूँ आम का शरबत बनाने के लिए। तो ये पेड़ का पका हुआ आम है, देखिए गाइस, देखिए ये देखिए, जैसे लग रहा है ना कि बैलून है ये। इसमें मैं पानी भर के या जैसे मैं कोई चीज थोड़ा सा पुश करेंगे स्विच के जैसा, बस ये पूरा जैसे निकल जाएगा। देखिए एकदम ये बना हुआ एकदम अंदर जो है ना एकदम गुलगुल कर रहा है, तो ये खाने में मजा नहीं आएगा, तो इसी वजह से मैं सोची इसका जूस बना दे रहे हैं। वो आम जो है ना गाइस पेड़ का पका हुआ है, और तैमूर को खाना है आइसक्रीम, मैंगो आइसक्रीम ना। आपको मैंगो आइसक्रीम खाना है, मैंगो आइसक्रीम कैसे बना दे बेटा, ये पेड़ का पका हुआ है ना पापा। अच्छा वाला तू मत तो मैं देखिए गाइस कितना गला हुआ है आम, देखिए देखिए खाने में मजा नहीं आएगा, तो इसलिए इसको मैं क्या करूंगी, इसका जूस ही बना देती हूँ। मम्मा तू मां ये देखो थचार थचार। तो गाइस ये आम इतना पका हुआ था कि सिर्फ इसका जूस ही बन सकता था, खाने में बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा था, अच्छा ही नहीं लग रहा था, बहुत पका हुआ था। तो लेबर ला कर के मेरे हस्बैंड को दे देते ज़बरदस्ती, तो लेके आ गए थे ये। इतना मीठा है, ज्यादा चीनी डालने की जरूरत नहीं, बहुत मीठा है, रखिएगा। हो गया, हो गया नहीं।
तो गाय सिमरन को प्याजू खाने का दिल कर रहा था, क्योंकि रमज़ान में जो बना था चांद रात के दिन लास्ट रमज़ान में वही बना हुआ आज मैं बना रही हूँ। तो मैं भी बोली चलिए मुझे भी दिल कर रहा खाने का, तो बना ही ले रहे हैं अभी मैंगो का शरबत और प्याजू। यही चाय मैं नहीं बनाने वाली, क्योंकि बहुत ज़्यादा कोलकाता में गर्मी पड़ रहा है, अभी चाय पीने का बिल्कुल दिल भी नहीं कर रहा है। इतनी गर्मी है कि क्या बताएं, बहुत गर्मी है। अभी हम लोग को मार्केट भी जाना है गाइस, तो सोची कि शाम का ये 4 बज रहा था, तो हम बोले अम्मी मतलब असर का नमाज पढ़ने के बाद ही अम्मी बोली जाएंगे बाहर मतलब मार्केट, तो हम बोले चलिए ठीक है। मुझे डॉक्टर से भी दिखाना था, तो उस हिसाब से निकलेंगे कि सब काम हो जाएगा, मतलब मार्केट भी हो जाएगा और डॉक्टर को भी दिखा देंगे। कैसा है? यम्मी है। बहुत ठीक है, मेरे से था पानी मिला दे, देखिए इतना गाढ़ा थोड़ी ना पिए, गाढ़ा बहुत ज़्यादा जूस हो गया था गैस, तो मैं थोड़ा सा पानी, ठंडा पानी डाल दे रही हूँ, तो थोड़ा सा मतलब ठीक हो गया। पीने देखिए अभी मैं पानी डाली हूँ तो अब ठीक इसका मतलब टेक्सचर जो होता है वो ठीक है, ना पतला है ना गाढ़ा है, एक ही हिसाब का होना चाहिए जूस। तो मैं पानी थोड़ा सा डाल दी, ये वाला मैं अपने हस्बैंड के लिए रख दे रही हूँ। किस किस को पीना है? मैंगो जूस जिसे ट्रेन में बोलता है ना, घर में चाय, घर में चाय, मतलब मैंगो जूस, मैंगो जूस, गरम चाय, गरम चाय। चाय का टूटा लाल दिख रहा है। आप चिंता करें, हम लोग का प्याजू ठंडा हो गया और जूस जो है गरम हो गया। अब हो गए हम लोग जाने के लिए रेडी, तो मुबशिर नहीं जा रहे, मुबशिर घर ही में रहेंगे, तो बोले बाहर से ताला लगा दीजिए, अब मुबशिर घर में है तो फिर अब हम लोग चले जाए। कितना बोले चलिए आप भी, लेकिन वो नहीं जाएंगे क्योंकि वो टीवी देखेंगे, इसी वजह से वो नहीं जा रहे हैं। इतना गर्मी पड़ रहा है ना गाइस, नकाब लगाने का दिल ही नहीं कर रहा था, इतना गर्मी पड़ रहा है, लेकिन ये भी तो लगाना ज़रूरी है। तो फिर हम लोग चले अब मार्केट। नीचे गई नन्ना, नीचे गए। झूठ बोल रहा, कोई पत्थर वत्थर नहीं घुस, झूठ बोल रहा, हम झूठ बोल रहे कि पत्थर घुस गया ताकि मम्मा गोदी ले ले ना। ऑटो जैसे मतलब स्टार्ट हुआ गाइस, वैसे ही तैमूर को आ गया नींद, तो तैमूर सो गए थे, लेकिन पापा के पास जैसे पहुंचे वैसे ही उठ गए। क्या लिए हैं गाइस? नींद पड़ा हुआ था, आपका नहीं ले रहे। मम्मा ए मम्मी का पिंक अब चलिए चलिए, मम्मी को भी गर्म लग रहा है, चलिए चलिए जा रहे हैं। मैं हाथ पकड़िए, हाथ पकड़िए मम्मा का। Tell me, 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 t
तो गाइस यहाँ पे ना सूट सेल में बिक रहा था, तो 600 रुपया सब चिल्ला रहे थे, 500 रुपया चिल्ला रहे थे, तो हम बोले चलिए देखते हैं जा करके। हाँ बेटा टॉय लोगे? तो अम्मी को लकड़ी का चम्मच लेना था लेकिन अम्मी को पसंद नहीं आया। तो गाइस अब जा रहे हैं मुबशीर और तैमूर के लिए कपड़ा लेने। तो अभी मैं इस ब्लॉग में आप लोगों को नहीं दिखाई हूँ कि मैं क्या क्या खरीदी हूँ, तो ये आपको मिलेगा दूसरे ब्लॉग में देखने को, तो आप लोग ज़रूर देखिएगा। और मैं निकाब एक देखी गाइस तो मुझे बहुत पसंद आया, लेकिन बहुत ज़्यादा इसका दाम था गाइस तो हम नहीं लिए। उसके बाद फिर हम आ गए डॉक्टर कन, क्योंकि मेरा 11 नंबर के बाद था डॉक्टर का नंबर लगा हुआ था और बहुत लेट हो गया था गाइस, आते सारे 11:45 बज गया था। तो इसी वीडियो को यहीं पर हम एंड कर दिए थे। तो नहीं हुआ तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।